आप दोस्तों आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं पोर्टल में जो अपडेट हुआ है यूडीआई की वेबसाइट में, तो दोस्तों आप जो है आप जैसे ही इन्वायरमेंट कराते हैं, नया आधार कार्ड बनवाते हैं और डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर दोस्तों 16 से 18 डिजिट की 16 से जो है 28 डिजिट की आईडी मांगी जाती है इन्वायरमेंट। लेकिन दोस्तों इनरोलमेंट जो आईडी है वो 14 डिजिट की है, तो हम इसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे आधार कार्ड को, जो नया अपडेट हुआ है आधार कार्ड की यूडीआई की वेबसाइट में, किस तरीके से हम आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे इन्वायरमेंट के तहत, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। गूगल पर हम यूडीआई डालेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे आधार कार्ड की यूडीआई। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड की यूडीआई के बाद यहाँ नीचे आएंगे डाउनलोड पर, आधार कार्ड डाउनलोड। जैसे ही दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिंक क्लिक करेंगे, यहाँ तो आ जाएगा आधार ओटीपी। तो आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए 12 डिजिट का आधार नंबर और 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी और 28 डिजिट का इन्वायरमेंट आईडी। तो यहाँ हमारे पास इन्वायरमेंट आईडी है क्योंकि हमने नया बनवाया है या करेक्शन किया तो आपके पास आधार नंबर हुआ, इन्वायरमेंट आईडी अब हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी। अब आप देख सकते हैं जो इन्वायरमेंटर हमारी आईडी जो रहेगी वो देखिए यहाँ पर 14 अंकों की है और यहाँ पर डेट एंड टाइम मिला के ये भी 14 हो जाता है, तो ये 28 हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम इसका प्रयोग करेंगे और डाल के देखते हैं क्या हमारा ये डाउनलोड हो रहा है या नहीं। इसके बाद हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट आईडी डाल दी है 28 अंकों की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा डालेंगे, जो कैप्चा दिया हुआ है 3HE। इसके बाद R और D कैप्चा भर लिया। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम दोस्तों सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे प्रोवाइड इन्वायरमेंट आईडी इज इनवैलिड, प्लाई ट्राई अगेन इन्वायरमेंट आईडी एंड ट्राई अगेन। यहाँ पर दोस्तों हमारा आधार कार्ड इन्वायरमेंट आईडी से नहीं हो रहा है, तो अब दोस्तों हमें कैसे इसको डाउनलोड करना है, चलिए दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बैक पेज पर आएंगे। जैसे ही दोस्तों हम बैक पेज पर आएंगे यहाँ पर डैशबोर्ड पर, तो नीचे आएंगे आप यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आधार नंबर और इन्वायरमेंट, यहाँ पर दो चीजें आप आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं या इन्वायरमेंट आईडी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए हम इन्वायरमेंट आईडी प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको नाम देना होगा, जो भी आपका रिसिप्ट में नाम डला हुआ है जो आपने इन्वॉल्व कराया था वो आपको यहाँ पर नाम देना होगा, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालेंगे। तो चलिए आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा और जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो आपके में यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर इन्वायरमेंट आईडी, यहाँ पर हमारे पास इनरोलमेंट आईडी, यहाँ पर सेंड योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भेजी जा चुकी है और ये हमारी यहाँ से इन्वायरमेंट आईडी यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा भरेंगे, जो हमें इन्वायरमेंट आईडी प्राप्त हुई है कैप्चा भरेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी फिर से जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। चलिए हम ओटीपी को दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई और डाउनलोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास डाउनलोड हो चुका है पहले भी मैं देख यहाँ पर, लेकिन कुछ कभी कभार टेक्निकल इश्यूज आ जाता है। यू आर रिक्वेस्ट योर कैन नॉट बी प्रोसीड नाउ यू डू सम टाइम टेक्निकल इश्यूज, मैंने बताया कि वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इशू के कारण भी हो सकता है। अगर दोस्तों बड़ी आसानी से मैंने अभी हाल ही में डाउनलोड किया है, मैं खाली आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि किस तरीके से आप इन्वायरमेंट आईडी के जरिए आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आधार कार्ड से संबंधित कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।